सेकंड डे है नित्या के बर्थडे का, तो फिर यहाँ आए थे तो मैंने कहा गाड़ी की पूजा भी रहती थी, मैंने यहाँ पे एक्चुअली माता जी को बोला था गाड़ी के लिए और ऐसे, तो फिर वही चीज थी तो मैंने कहा गाड़ी की पूजा, पिछली बार जब जगराता हुआ तब रह गई थी तो मैंने कहा गाड़ी की पूजा भी करवा देते हैं। हाथों हाथ पापा से पूजा मंगवाई, मैंने कहा थोड़ा सा टाइम है जल्दी से पूजा कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो अभी हम लोग आ गए अपने घर, मतलब मेरे मायके, हम लोग जा रहे हैं वापस दिल्ली। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा काम है तो बस रुकते हो, कल था नित्या का बर्थडे और आज नेक्स्ट डे है, तो बस वापस दिल्ली रवाना हो रहे हैं। फिर हम थोड़ी देर के लिए इधर होके निकले हैं 12 होके, और क्योंकि गाड़ी की पूजा करानी थी, कुछ सामान यहाँ पे भी रखना था, प्लस फिर जो केटरिंग का था तो उनका भी पूरा वो करना था हिसाब वगैरह, बाकी फिर फोटोज वाले के पास भी होके जाना, तो थोड़ा थोड़ा टाइम रुकते हुए निकलेंगे। रात को वही 12-1 बजे के हमें दिल्ली पहुंचते हुए, तो बस अभी यहाँ पे सामान ड्रॉप कर दिया, बस चाय ले रही हूँ और आधा पौन घंटा ऑलरेडी हो गया, गाड़ी की पूजा भी हो गई है, पापा ने पूजा करी है अभी, और बस अब निकलते हैं थोड़ी सी देर में, बस चाय फिनिश करके जल्दी से, 12 ऑलरेडी बज गए। चलो बेटा आ जाओ चलो चलो चलो, छोड़ो मौसी, बाय बाय बोल दो, बाय बाय बाय, चल बाय चल, बाय कर दो मौसी को, बाय कर दो जल्दी, बाय कर दो, बाय बाय। तो पापा आ रहे मूंगफली का थैला भर के, थोड़ा सा आगे कर बस निकल रहे, लो अंदर ना, बच तो सीट पर रख लीजिए, तब बैग रखी दो, सब बैग खा जा, लैपटॉप ले लियो, दो नहीं ले लिया, चलो बाइक में बोलियो ना। बस घर से निकल गए हम लोग 12 से, पीछे हमें ज्वाइन किया जतिन ने, और बेटू जो है वो जतिन के साथ ही खेल रहा है। यहाँ पे हमने बहुत सारा सामान ड्रॉप किया है एक्चुअली ना, इस वजह से जतिन के लिए जगह हो गई, अदरवाइज पीछे बिल्कुल जगह नहीं थी, तो बस वही है कि जैसे तैसे करके जरा सी जगह निकाल दी है मनीष ने, क्योंकि जो सामान यहाँ से निकला इसलिए, बाकी तो इसकी साइकिल, दो टैडीज वैडीज, पता नहीं क्या क्या है, तो इस वजह से तो बस निकल रहे हैं अभी, और जगह भी रुकना है, फिर देखते हैं कि क्या होता है बाकी। बेटा चलो अभी दिल्ली तक का सफर तय करते हैं इसी ब्लॉग के अंदर, देख लो कितना आराम से पड़ा है ये। और क्या, सिंहासन की तरह चलेंगे। इधर देखो एकदम बादल ऐसे काले हो रहे हैं, भयंकर बरसात होने वाली है भाई, सी गॉड, पूरा इधर कुछ भी नहीं दिख रहा है, हम ब्रिज पे चल रहे हैं, नदी है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, भयंकर बारिश है, भयंकर दिखी नहीं रही, नदी नहीं दिख रही कहाँ से, थोड़ी रुक गई है बारिश, कम हुई है, तो फिर हम अभी जा रहे हैं, इनके फ्रेंड है मनीष के फ्रेंड है और अब तो मेरी भी फ्रेंड्स है, तो उनसे मिलने जा रहे, स्कूल फ्रेंड है इनके, तो चलो मिलवाते, वैसे वो दिल्ली आए थे पर तब मैं व्लॉग नहीं करती थी है ना, वो कुतुब मीनार और सब घूमे थे हम लोग, हाँ तब मैं व्लॉग नहीं करती थी, तो शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा उनको, तो उन्हीं के घर जा रहे हैं हम, बड़ी मुश्किल से चांस मिला, मैंने कहा इस बार बारिश की वजह से तेज हो गई थी ना बीच में, तो हमने प्लान कैंसिल कर दिया कि सीधा चलते हैं, बट फिर मैंने कहा लो यार जाने कैसे, तो आए हैं कभी आते हैं गाड़ी नहीं होती है, कब मतलब हमेशा जब भी हमने प्लान बनाया कैंसिल ही हो जाता है, मैंने कहा चलो लगेगा जो लगेगा टाइम, चलते हैं इस बार, और फिर हमने उसको बोल के मना तो कर दिया कॉल करके, लेकिन ये नहीं बताया कि हम आ रहे हैं, तो हम उनको डायरेक्ट सरप्राइज देने वाले हम घर पे पहुंच के, वहाँ के महादेव जी फेमस है ना, हाँ यहाँ के बहुत चार मुंह है, अच्छा। चारों मुंह पे एक गांव बस रहा है, इसलिए चार चमा बोलते हैं, अच्छा तो ये वहाँ उस गांव की खासियत बताई है इन्होंने जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, 6.7 किलोमीटर मोर टू गो।
अंतिमा मिल गई भाई। मैंने सोचा मन का चलो सरप्राइज देते हैं, पहले मना कर दिया हमने। जाओ बेटा मामी जी, ऊपर से भी देखा जरूर आ गया या फिर देखा और मेरे को झूठ बोल दिया। बहुत देर से बोल रहे हो, इंतजार भी कर रहे हो उधर। चलो 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 ला जाओ आ जाओ मन की प्रोग्राम काल तो ती ले नहीं सको यार। अंतिमा कॉफी बना रही है हमारे लिए। हाय हेलो। इसको हाँ पहले तो व्लॉग्स में नहीं देखा आपने, बट ये दीपक की वाइफ है। तब हम व्लॉग ही नहीं करते थे जब दिल्ली आए थे तब, है ना। उसके बाद मैंने व्लॉगिंग शुरू करी, अदरवाइज हम लोग दिल्ली में बहुत घूमे हैं। तो बस अभी कॉफी बना रही है, अंदर बैठे हुए थे फिर मैं भी अंदर बैठी थी, ये आ गई कॉफी बनाने का। मैंने कहा चलो इसके साथ बैठेंगे बात हो जाएगी। अंदर मम्मी इसकी मतलब सासू माँ और मनीष वगैरह दीपक ये सब बैठे हुए हैं। अभी बस कॉफी वॉफी पी के फिर निकलते हैं थोड़ी देर में। कोई बात नहीं, घर ही जो माँ को भी घर ही जो अरे मस्त है ना, जम गया ना। हाँ चले, ये दीपक की मम्मी और ये अंतिमा, बस अब चल रहे हैं। ये हमारे दीपक बस अब मिल लिए, अब निकल रहे हैं घर से काफी दिनों में। चुगू निद्या बस अब चलो लेट होंगे अब। क्या है कोई भाग दे, नले 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 रवा जा दो। वहां से निकल के थोड़ा सा आगे आए हैं एंड देन हम एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं। एक्चुअली यहीं पे एक रेस्टो है तो सोचा थोड़ा जतिन को भूख लग रही थी थोड़ी बहुत, तो फिर हम लोग वहाँ पे रुके हैं। मनीष पनीर पकोड़े लेके आए, जतिन भी लेके तो यही आए, तू तो बाद में आके बैठ गए चुपचाप। चटनी रुक जा रुक जा, ये ले। आजकल लोग क्रेडिट बहुत पहले लेते हैं ना। मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई जतिन भी गया है बाहर, ये तो लड़ी पड़े मेरे से हैं। धूप ही गई, मौसम साफ हो गया बिल्कुल। एक बार तो जॉब घर वाला है ना, फिर पाड़े ही पाड़े है जो दिल ही खुश हो जाओ, फिर सब टेंशन फ्री हो जाओगा। वाओ क्या सीनरी वाला व्यू आ रहा है, एकदम सीनिक। तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। Having a break, washroom break, और बेटू देखो लंबी नाप लेने के बाद में 2-2.5 घंटे और अब उठा है, अब कार पे चढ़ा, बस चढ़े जा रहा है कार पे। ओ भैया उतलो नीचे, चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ, लेट होएंगे बेटा। आ जाओ, अरे आओ भैया, आ जाओ भैया, गुड्डू आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, 7:17 हो रहे हैं और अब हमने एंटर किया है जयपुर में। हाँ तो करंटली इंडिया गेट के आसपास है, जस्ट अभी चौकी धानी निकला है और बस अब देखते हैं, थोड़ा बहुत पॉज लेंगे हो सकता है चाय वाय ब्रेक, अदरवाइज तो फिर हम सीधा निकल रहे हैं दिल्ली और इसको यहाँ ड्रॉप करते हुए जाएंगे जतन को। देख हम पहुंच चुके हैं जयपुर चौपाटी, पहली बार आए हैं एक्चुअली, शायद ये नया ही बना है जतन बता रहा था, तो मानसरोवर में है ये और हम लोग जो हैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, देखते हैं कैसा है।
जब तक मैं जयपुर में थी और हम लोग जयपुर में थे तब तक तो नहीं था। दिस इज द एंट्रेंस, दिस इज द टिकट विंडो जो कि एंट्रेंस पे ही है और 10 रुपीज का टिकट है ओनली। कैसा बनाया हुआ अंदर से, बिकॉज फर्स्ट टाइम फॉर अस। हम ऐसे उठ के आ गए ना, मतलब हो रहा था ना कि ट्रैवलिंग के बीच में से सुबह के कैसे निकले हुए हैं और कैसे आ गए हैं। तो बस मुझे तो ऐसा लग रहा था यार लोग ऐसे सोचेंगे, नॉट सोचेंगे बट खुद को ही अच्छा नहीं लगता ऐसे। कहाँ तो हम ऐसे रेडी हो के घूमते हैं और आज जो है कुछ भी। ये रहे हमारे दोनों एक जैसे हम शक्ल। यार बर्थडे की इतनी अमेजिंग पिक्स आई है ना इन दोनों की, मैं इनको यही कह रही थी, मैंने कहा यार मुझे तो तुमसे जेलस होती है, मतलब बिना मेकअप भी तुम मारे। हाँ एंगेजमेंट में भी मेरे को बड़ी जेलसी हुई थी कि बिना मेकअप इनकी इतनी अच्छी पिक्स आती है यार, इतनी सुंदर पिक्स आती है, और मेरी मतलब कुछ भी कर लो ऐसा लगता है हम लोगों की तो यार कहीं ना कहीं से पिक्स बिगड़ ही जाती है। तो इट फील्स लाइक यार इनका सही है, 2 मिनट में रेडी होते बस कपड़े पहने और देन ऑल्सो इनका सही है। और भाई बच्चा तो बेसिकली जो यहाँ पे चपाटी बना रखी है उसे हम दिल्ली वाले फूड कोर्ट कहते हैं। तो ऐसा ही है बस कुछ इस तरीके, मतलब इस तरीके से यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म बना रखे हैं जिसे हम लोग फूड कोर्ट बोलते हैं। तो ऐसे सब तरफ स्टॉल्स हैं और जो भी आपको खाना है आप खा सकते हो। आप क्या खाओगे बे? तो गुड्डू विद, अब क्या खाओगे गुड्डू? इसे नहीं खाओ। कौन सा भैया? जाने कौन से भैया को बुला रही है। भैया भैया नो, डोंट पुट इन माउथ, नो नो। तो अभी मी एंड बेटू आर वेटिंग एंड मनीष और जतिन गए हैं एक्सप्लोर करने कुछ स्टोर्स पे कि आवे तो कि क्या खाना है, देखते हैं कौन। और ये सबको आवाज दे रही खड़ी खड़ी भैया भैया। तो मनीष लेके आए डबेली और उधर है हनी चिली पोटैटो। वी आर डन फ्रॉम हियर, चले हमने हनी चिली पोटैटो और फिर कोल्ड कॉफी और डबेली, ये एंजॉय किया एंड देन फ्री हो गए। बस निकलते हैं जल्दी से, अपना रूट पकड़ेंगे। जतिन को ड्रॉप कर दिया हमने, अब सिर्फ हम 3 बच्चे हैं फैमिली मेंबर। हाँ तो फाइनली चेंज कर लिया है, पहुंच गए घर। ये रहा हमारा बेतू भी। और अब जाके थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करेंगे। चलो जी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, देन नेक्स्ट अमेजिंग ब्लॉग के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। से बाय बाय, बाय बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय बाय बोलो ना। नो 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 नो, तो हाँ हो गया, बाय बाय।